हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगे बहुत सारी। मैंने इधर शॉपिंग भी की थी पर शेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी इधर। लेकिन अब कोशिश करूँगी उनकी भी जो वीडियोस मैंने बना के रखी है वो भी पोस्ट कर दूँ। प्लस आज मैं ये जो शॉपिंग मैंने की है शरद पूर्णिमा के लिए मैंने की है और बहुत लेट शेयर कर पा रही हूँ। आज मैं अभी रात में वीडियो बना रही हूँ और मैं इसको आपको सुबह यानी शरद पूर्णिमा वाले दिन यानी आज आपको मिल गई होगी ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या ऑर्डर किया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं इस वक्त मैं ऑर्डर कर पाई क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था इधर, तो इस वजह से वीडियोज़ भी नहीं आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या शॉपिंग की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या शॉपिंग की है और कहाँ से की है। और शॉपिंग का जो लिंक होता है जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से शॉपिंग की है या क्या किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने बताया है कि मैं कैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो या कैसे आप इंस्टाग्राम से या कैसे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। प्रॉपर वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी ताकि आप फिर से चाहो तो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ छोटे गोपाल जी की शॉपिंग जो मैंने की है। स्पेशली मैंने कपड़े इसमें खरीदे हैं, थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं चलिए ये वीडियो आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि फिर एक बार पहना लो कपड़े तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है जब खुल जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये जितनी भी आप शॉपिंग देख रहे हो ये है जो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं प्लस राधा कृष्ण जी हैं और ठाकुर जी हैं हमारे ठाकुराइन जी, उनके लिए है। तो सबसे पहले ये जो है ये दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली पे मैं बनाऊँगी। आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है इसके बाद अगर कोई ले लूँगी तो बात अलग है, फिलहाल मैंने दिवाली के उससे ही लिया है ये। तो ये है ग्रीन कलर की ड्रेस और ये मुझे ड्रेस है दो नंबर की ड्रेस और ये मुझे 40 रुपीज़ में मिली है, सॉरी 50 रुपीज़ में मिली है। और इसी की जो ये दो नंबर शायद एक नंबर है ये मुझे मिली है 40 रुपीज़ की और ये वाली मुझे मिली है 50 रुपीज़ की। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, एक दिखा दूँगी बाकी सारी ऑलमोस्ट सब कुछ आपको दिख रहा होगा सेम है, बस साइज कलर अलग अलग है। तो एक दिखा देती हूँ मैं आपको, तो ये देखिए मैंने सोचा सारी ही खोल के दिखा देती हूँ, बस कल एक ये नहीं खोली क्योंकि पिंक और दो थी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से ड्रेस है और 40 रुपीज़ की है या 30 रुपीज़ की है मुझे याद नहीं है। तो ये इस तरह से है यहाँ पर ये ड्रेस और छोटे गोपाल जी की है, सिंपल सी ड्रेस है, सीक्वेंस का वर्क है। और एक ये है ब्लू कलर की, उसके बाद ये पिंक कलर की है, इसके बाद ये पिंक कलर की है एंड फिर है ये ग्रीन कलर की पोशाक और ये ग्रीन कलर की पोशाक है दो नंबर गोपाल जी की। उसके बाद मैंने ये दो ड्रेस वाइट ली हैं जो छोटे गोपाल जी की, एक्चुअली वाइट ड्रेस मिल नहीं रही थी मुझे कहीं, मतलब मैं जिनसे लेती हूँ उनके पास नहीं थी और बाकी मैं कहीं से, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ले पाऊँ। तो ये दो वाइट पोशाक हैं, सिंपल सी कॉटन की पोशाक है, आप ऐसे रेगुलर भी पहना सकते हो और ये 20 या 22 रुपीज़ की है, आई थिंक 20 रुपीज़ की है। और ये एक नंबर गोपाल जी की है, ये देखिए। तो ये दो पोशाक हैं सेम ही हैं। और उसके बाद ये जो है जैसे कि आपको पता है कि मैं जहाँ से लेती हूँ वो अगर कोई भी ले, मैं नहीं या किसी के लिए ऐसा नहीं कि स्पेशल है कोई, कोई भी ले तो उनको जो है गिफ्ट ज़रूर देती हैं। आप कोई भी ऑर्डर कितने का भी प्लेस करो तो गिफ्ट ज़रूर देती हैं। तो जो ये शॉपिंग है आपको पता है मैंने कान्हा क्राफ्ट एंजल से की है। मैं ज़्यादातर शॉपिंग वैसे कान्हा क्राफ्ट एंजल्स से ही करती हूँ क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो फ़ोटो में होता है ज़्यादातर वही मिलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सबके साथ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें कुछ हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये है फ्री गिफ्ट क्योंकि दिवाली आ रही है तो ये शुभ लाभ मुझे दिया है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर है। तो ये शुभ लाभ है, ऐसा नहीं ये मेरी मम्मी का है तो ये मम्मी के गोपाल जी के लिए सारा सामान गिफ्ट है, प्लस मेरे लड्डू गोपाल जी का अलग सामान है तो इसमें भी उसने एक गिफ्ट दिया है जो कि सेम है। तो ये तो मैं अपने छोटे वाले गोपाल जी के
सामान को अलग कर देती हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने लड्डू गोपाल का सामान कि इसमें क्या है। तो ये है मेरे ठाकुर जी का सामान, मेरे लड्डू का सामान। और इसमें मैंने सबसे पहले तो लिया है ये ज्वेलरी, ऑलरेडी बहुत रखी थी मेरे पास तो इसकी वजह से मैंने नहीं ली। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ली थी ये वाइट ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी फ़ोटो में, वैसे भी बहुत सुंदर है। बस इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये जो स्पॉट्स हैं इसमें, ये एक्चुअली इसी ड्रेस में थे। उसने मुझे बोला भी कि इसको रिटर्न कर दो, बट मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हो सकता है ठाकुर जी की यही मर्ज़ी हो, उन्हें यही ड्रेस पहननी हो। ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए बहुत प्यारी सी ड्रेस है, इसमें चिकन का वर्क हुआ है पूरा। तो ये वाइट कलर की सुंदर सी ड्रेस है जो मैं शरद पूर्णिमा पे यानी आज के दिन पहनाऊंगी और इसका श्रृंगार आपसे शेयर करूंगी। और उसके साथ मैंने ये लिए हैं मैचिंग, ये देखिए वाइट कलर के नग के हैं, ये मुझे 10 रुपए के पड़े हैं और ये पोशाक मुझे 200 की पड़ी है। और ये भी बहुत सुंदर मुझे लगा। तो एक ये पोशाक है, ये पूरी पोशाक आप देखिए इस तरह से है, ये 6 नंबर गोपाल जी की है और मेरे लड्डू गोपाल 7 नंबर के हैं जिनको ये पोशाक आराम से आ जाती है। उसके बाद मैंने इसी से मैचिंग लिया है ये टियारा, और ये देखिए ये गिफ्ट उसने मुझे दिया है, ये मम्मी को अलग दिया है और मुझे अलग दिया है। तो ये देखिए क्योंकि 2 ऑर्डर्स थे, मम्मी के अलग था इसलिए। तो ये देखिए ये टियारा मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। और इस तरह के काफ़ी टियाराज उनके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल हैं, हर कलर में मिल जाएंगे। मैं एक बार फ़ोटो हो सकता है मैं अटैच कर दूँ, अगर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी तो। ये देखिए, तो ये देखिए ये बहुत सुंदर टियारा है और ये 7 नंबर गोपाल जी का टियारा है। मैं हाथ पे रख के दिखाती हूँ, देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। ये देखिए पूरा इसमें मोर पंख स्टोन का पूरा वर्क है, इस तरह से ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। मैंने मल्टी इसलिए लिया क्योंकि मुझे चाहिए था इस ड्रेस पे। तो ये देखिए इस पे ये बहुत अच्छा जाएगा। वैसे आपको बहुत सारे उनके पास टियारास के ऑप्शन है, आपको पिंक येलो ब्लू जिस भी कलर में चाहिए होगा आपको मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, बट मुझे ये चाहिए था क्योंकि ये सब पे जाएगा इसलिए मैंने ये लिया। और ये मुझे पड़ा है 130 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये तो था टियारा। उसके बाद मैंने ली है ये बहुत ही खूबसूरत बहुत सुंदर पगड़ी, मुझे ये पगड़ी बहुत प्यारी लगी, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। एक्चुअली आपने देखा होगा एक पिकॉक ड्रेस है मेरे पास ग्रीन कलर, तो एक पिकॉक ड्रेस है मेरे पास इसी ग्रीन कलर की, तो उस पर ये पगड़ी बहुत सुंदर लगेगी। और ये पगड़ी मुझे मिली है 90 रुपीज़ की। तो ये देखिए ऐसे सिल्क की पगड़ी है और ये बहुत सुंदर सा इसमें ये पूरा काम हुआ है, बहुत देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी पगड़ी है, जब मेरे लड्डू उस पर श्रृंगार करेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए एंड ओनली 90 रुपीज़ में ये 7 नंबर गोपाल जी की पगड़ी है। उसके बाद मुझे एक ये पगड़ी मैंने ली है, तो ये देखिए ये भी इस पर मैच कर रही है, मुझे अचानक से लगाते हुए ऐसा लगा। तो ये मिली है मुझे 50 रुपीज़ में और ये भी 6 नंबर गोपाल जी की पगड़ी है। एक्चुअली 7 नंबर गोपाल जी को 6 नंबर गोपाल जी की पगड़ी आ जाती है क्योंकि पगड़ी थोड़ी बड़ी होती है, तो आप एक साइज छोटी लोगे ना तो भी सही रहती है। तो ये देखिए इस तरह की भी एक ड्रेस थी उनके पास और ये कलर जल्दी मिलता नहीं है तो उसकी वजह से मैंने ये देख लिया। आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लू है, ये वाइट नहीं है प्रॉपर, ये थोड़ा सा ब्लू होता है ना पेस्टल ब्लू टाइप में वैसा है। और ये पर्पल और ग्रीन में बहुत प्यारी पगड़ी है ये भी। तो ये 2 पगड़ियाँ ली थी मैंने। उसके बाद एक मैंने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस ली थी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप अभी लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर लो क्योंकि फिर बहुत जल्दी से। तो ये है बहुत, आपको लेना है तो जल्दी कांटेक्ट करिएगा क्योंकि बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है सामान। तो ये 7 नंबर, एक्चुअली मुझे 7 नंबर का सच बताऊँ तो जल्दी नहीं मिलता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके मैंने 2 पीस और अभी ऑर्डर किए तो वो भी मुझे जब मिल जाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, लड्डू को एकदम लड्डू बहुत क्यूट लगेंगे इसमें। ये देखिए बहुत प्यारा सा फैब्रिक, देखो बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है और बहुत सुंदर ये ड्रेस लगी। इसमें मिलता है आपको पजामा प्लस ये ऊपर का और ये इसकी कैप, तो आप इसको कभी भी पहना सकते हो, उनको नाइट सूट की तरह यूज़ कर सकते हो या आप कहीं नॉर्मल कहीं घूमने जाओ तो कंफर्टेबल वेयर आप उनको मतलब पहना सकते हो ये वाली ड्रेस। तो
तो एक ये ड्रेस थी और ये मुझे पड़ी है 100 रुपीज में और ये काफी बड़ी ड्रेस है, 7 नंबर गोपाल जी को आराम से आ जाएगी और उसमें 10 नंबर साइज तक की आपको अवेलेबल है वहां पे, तो आप ले सकते हो। तो ये सारा सामान मैंने लिया था कान्हा क्राफ्ट एंजल से। कान्हा क्राफ्ट एंजल्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक इंस्टाग्राम पेज है जहां से मैंने कई बार शॉपिंग की है, तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप वहां से शॉपिंग कर सकते हो। तो ये तो कुछ शॉपिंग थी और आपको मैं गिफ्ट दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, जो मुझे गिफ्ट ये मिला था और थैंक यू श्रुति, ये गिफ्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ओकेजन के हिसाब से गिफ्ट जो तुम देती हो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कुछ शॉपिंग थी जो मैंने अपने गोपाल जी की और शरद पूर्णिमा पे मैंने की थी और कोशिश करूँगी मैं श्रृंगार शेयर कर दूँ। तो ये थी मेरी शॉपिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप भी मुझे इंस्टा पे अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार जरूर शेयर करिएगा। अगर मुझे बहुत सारे लोगों ने श्रृंगार शेयर किया तो मैं ज़रूर एक वीडियो सारे आपके गोपाल जी की वीडियो को एक मर्ज करके एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपके गोपाल जी का भी श्रृंगार होगा। तो मुझे इंस्टा पे अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेरे प्यारे कान्हू, जिसका लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।